हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से पोहा पालक ककलेट, जो खाने में बहुत अच्छे भी लगते हैं और बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं। बरसात के मौसम में कुछ चटपटा खाने का तो मन ही करता है, तो झटपट से बनने वाली रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पोहा लिया हुआ है, ये 1.5 कप पोहा है। मैंने इसको धो के साफ कर लिया है और 5 मिनट के लिए रख दिया है। इसको बिल्कुल साफ कर लिया, ये देखो ड्राई सा हो गया है। नॉर्मल पोहा है जो घर में यूज होता है। 3 आलू लिया हुआ है मैंने, बॉइल किया है और छील लिया है। मैंने 200 ग्राम पालक लिया है, इसको काट लिया है, पतली साफ करके काट लिए। और डेट में 1 कप है। हरा धनिया पतला कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्ची है पतली कटी हुई, अदरक कसा हुआ 1 इंच, ड्राई धनिया सूखा पाउडर, लाल मिर्ची आधी चम्मच पाउडर, गरम मसाला आधी चम्मच, नमक टेस्ट अनुसार, अमचूर पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, ऑप्शनल है, यदि आपको अच्छा लगे तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। इससे क्या है, कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर्स भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, छोटा वाला ये आलू कद्दूकस ले, कोई सा भी ले सकते हैं आप, पर इससे थोड़े और जल्दी से आसानी से हो जाते हैं। आलू कद्दूकस हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी पोहा। 1.5 कप पोहा है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पालक, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, अदरक, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं और कद्दूकस भी कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, जैसा आप खाते हो, कम खाते हो तो कम डालिए और ज्यादा खाते हो तो थोड़ा ज्यादा कम हो सकती है, गरम मसाला, नमक टेस्ट अनुसार, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मेरा पोहा और पालक का ककलेट का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसका ककलेट बनाना शुरू करते हैं। आप जैसा भी आकार देना चाहें वैसा दे सकती हो, गोल भी, अंडाकार भी या चौकोर, जैसा आप मनपसंद ककलेट बनाना चाहती हो वैसे बनाए। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लें, इसके बाद इस तरह पूरा बना के रख ले। यदि आपके कभी नहीं बने तो आप इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं और कॉर्न स्टार्च भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। यदि आपसे पोहा ज्यादा हो गया हो या आलू कम हो गया है तो कभी बनते नहीं है ढंग से, तो इसलिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। इस तरह पूरा बनाइए। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है, उसमें तेल डाल रहा है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब देखते हैं, थोड़ा इसको डाल के देख लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। गैस बिल्कुल स्लो रखना है,
गैस में भी तेल गरम हो गया है। अब ये कटलेट डाल देते हैं। पलट लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको पलट लेते हैं कटलेट को। देखिए अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इसी तरह पूरे कटलेट पलट देते हैं। और अभी इनको 5 से 10 मिनट के लिए और अच्छे से सेकना है, बिल्कुल स्लो गैस पे। देखिए मेरे कटलेट कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। देखने में अच्छे लग रहे हैं, उतने खाने में ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इनको निकाल के टिश्यू पेपर पे रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। अब इसी तरह और डाल देते हैं इनमें। पूरे डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए मेरे पोहा कटलेट तैयार हो चुके हैं। देखिए मेरे पोहा पालक वाले कटलेट तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो सर्व करते हैं। हाँ ये देखिए मेरे पोहा और पालक कटलेट तैयार हो चुके हैं। ये खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। बरसात के मौसम में तो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो ये आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे ही खा सकते हैं इनको। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।